नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के बड़ोपल क्षेत्र में बारिश के सुहाने मौसम में विचरण करते हुए हिरणों का एक अद्भुत नज़ारा दिखा। विचरण के दौरान अपनी अलग अलग मुद्रा में प्रदर्शन करते हुए दिखे काला हिरण प्रजाति के दर्जनों हिरण। पीपल फॉर एनिमल्स संस्था के प्रधान बोले, लंबे समय बाद इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिला है। कोरोना काल में प्रदूषण में आई कमी के चलते बदल रहा है कुदरत का नज़ारा। पलपल फतेहाबाद से राजेश फांबू की विशेष रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फतेहाबाद जिले के बड़ोपल गांव की, जिसके नज़दीक हिरणों के एक बड़े झुंड के रूप में अद्भुत नज़ारा सामने आया। बारिश के मौसम में बड़ोपल के नज़दीक स्थित जंगल के एरिया में आज रिहायश क्षेत्र के नज़दीक दिन में दर्जनों की संख्या में हिरणों का एक झुंड विचरण करता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में दिखाई दे रही ये अद्भुत झुंड काला हिरण प्रजाति के हैं। वन्य जीवों के बारे में खास जानकारी रखने वाले फतेहाबाद निवासी पीपल फॉर एनिमल संस्था के जिला प्रधान विनोद कड़वासना ने बताया कि वड़ोपल में लगातार काला हिरण प्रजाति के हिरण रहते हैं और बारिश के मौसम में आज लंबे समय बाद पहली बार बड़ी संख्या में हिरणों का ये झुंड भी दिखाई दिया है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से प्रदूषण और घटते वन क्षेत्र के चलते हिरणों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई, लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार की मुहिम हिरणों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल कोरोना काल के चलते प्रदूषण में कुछ कमियां भी आई है और यही कारण है कि हिरण खुलकर झुंड के रूप में सामने नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में वातावरण इंसानों से लेकर के पशु पक्षियों को भी प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन इस समय माहौल सभी के लिए अनुकूल चल रहा है और कुदरत के इस तरह के अद्भुत नज़ारों को लगातार देखने को लोग आते भी हैं और देखने को मिल भी रहे हैं। आप देख रहे हैं पर्पल की विशेष रिपोर्ट। हिरण की प्रजातियां जो बड़ोपल क्षेत्र में देखी गई हैं, कैसा नज़ारा आपको लगा, कैसा दिखा? बहुत ही शानदार नज़ारा। आज सावन की जो बरसात हो रही थी उसमें देखा, जो काला हिरण और कुछ और प्रजातियाँ भी उस इलाके में है तो उनमें काला हिरण जो आपने वीडियो में देखी वो एक नर काला हिरण था, जो बिल्कुल काला, जिसके सींग थे, बाकी सारी मादाएं थी और बहुत ही शानदार वहाँ का नज़ारा था। और इस टाइम में दूर से दर्शक भी इनको देखने के लिए आते हैं। तो कितनी प्रजातियाँ इस अपने इलाके में जो हैं हिरण की हैं, और मतलब ये इतने समय बाद इस तरीके से झुंड में दिखाई दे रहे हैं, तो लगता है कि कोरोना के काल में जो प्रदूषण में कमी आई है उसका भी एक ये उनको फ़ायदा मिल रहा है। बिल्कुल, जो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन घटा है, शोर शराबा घटा है कोरोना काल के बाद, तो काफ़ी जीव है वो अपने रहवास में वापस लौट के आए हैं। और इन 3-4 सालों में सबसे बड़ा झुंड आज वहाँ पे देखा गया, जिसमें लगभग 70-80 हिरण थे एक साथ, और काफ़ी प्रजातियाँ और है वहाँ पे, लोमड़ी भी है, गिद्दड़ भी है, कुछ पक्षियों की प्रजातियाँ हैं वो उस इलाके में प्रवास करती है।